हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ सिक्स में। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी ओहम्स लॉ के ऊपर। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ओके, यहाँ पे हम दो फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बेस्ड आज हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई इन टू आर। इट इज नथिंग बट द ओहम्स लॉ, राइट? हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था। व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिप्लेस करते हैं आर, दैट इज रेजिस्टेंस के साथ। तो फॉर्मूला बनता है वी इज इक्वल टू आई इन टू आर। इसी को हम ये दो फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका यूनिट होता है वोल्ट, आई यानी करंट है जिसका यूनिट होता है एम्पियर, आर यानी रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है ओहम्स। ओके, ये सब हमने ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो ओहम्स लॉ को, राइट? फिर सेकेंड है हमारा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। इट इज आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे आर इज अ रेजिस्टेंस, रो इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, एल इज फॉर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूलेज जिसको हम अभी जो आगे प्रॉब्लम्स है उनमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बस आपको इनका रिलेशन जो है वो समझ लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के लेंथ को, और आर जो है रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस है ऑफ द फिलामेंट इन ए लाइट बल्ब। देखो, जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है, अंदर एक बारीक सी तार होती है, उसको फिलामेंट कहते हैं, जो कि टंगस्टन का बना होता है। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है आपको 1000 ओहम। इफ द बल्ब इज फेड बाय द करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको? रेजिस्टेंस गिवन है 1000 ओहम, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 230 वोल्ट्स। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, और आपको पूछा है कि करंट कितना फ्लो होगा। करंट मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई फाइंड आउट करना है। सो वेरी वेरी सिंपल, हमारे पास जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था वो उसको अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता था, देखो एक बार, V इज इक्वल टू आई इन टू आर। क्योंकि हमें आई फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, राइट? सो यस, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। फिर अभी हमें क्या करना है, इनके वैल्यूज पुट करने हैं। तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू वी कितना है 230 और आर कितना है 1000। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जीरो के साथ जीरो हो जाएगा कैंसिल, राइट? और टू डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि दिस इज 100 अपॉन में है, तो क्या मिलेगा हमारा 0.23। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो करंट कितना मिला हमें? 0.23 एम्पियर। दैट्स व्हाई देयरफॉर द करंट फ्लोइंग टू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, कितना करंट कितना फ्लो हो रहा है फिलामेंट में? 0.23 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इट वॉज वेरी इजी, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है हमें, हमें लेंथ गिवन है, कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। यूनिट्स के ऊपर हमें ध्यान देना है, ओके? क्योंकि हमें जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे यूनिट्स हमेशा SI यूनिट होने चाहिए। सेंटीमीटर इज नॉट अ SI यूनिट, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टू द मीटर, रिमेंबर दिस। सो हियर लेंथ इज गिवन, दैट इज 50 सेंटीमीटर। देन इट्स रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर, हमें रेडियस गिवन है 0.5 मिलीमीटर। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओहम, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 30 ओहम। सो वॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, राइट? रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल रो। ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी हमें क्वान्टिटीज गिवन है उसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 50 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो दैट्स व्हाई 50 × 10⁻²⁻ मीटर, या फिर आप इसको इस तरह ऐसे भी लिख सकते हो, दैट 50/100। देन सेकेंड इज रेडियस। सो रेडियस गिवन है 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, राइट? सो
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1000 के साथ. सो 0.5 × 10^-3 मीटर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर ये 0.5 हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 10^-4 मीटर. यानी कि हमें रेजिस्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो देखो, हमने एक फॉर्मूला अभी देखा था जिस जो क्या है, R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया. तो क्या हम इससे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे हम रेजिस्टिविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, राइट. सो क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगी, ये आर ए इधर चला आ जाएगा तो आर इंटू ए, एंड ये अपॉन में आ जाएगा एल. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. अभी हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करने हैं. तो ध्यान से देखना है, आर हमें गिवन है दैट इज 30 ओहम, लेकिन हमें एरिया नहीं गिवन है, राइट. लेकिन हमें एरिया का फॉर्मूला पता है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर. सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 3.14, और आइदर यू कैन यूज 22/7. एंड आर हमें गिवन है दैट इज 5 × 10^-4, उसका क्या करना है, हमें स्क्वेयर करना है. अभी ध्यान से हमें वैल्यूज पुट करनी है. क्या करेंगे हम, सबसे पहले आर लिखेंगे. ओके, आर कितना है 30, उसको मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ. ओके, तो सी आर हमारा रो क्या बनता है, आर इंटू ए की जगह हमें वैल्यू पुट की है पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल. सो आर इज ये 30, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर. आर कितना गिवन है, 5 × 10^-4, उसका क्या करना है हमें स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा लेंथ, और लेंथ कितनी हमारी 50 × 10^-2. ओके, अब इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10^-4 टू द पावर 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, -8. सो वी गेट 30 × 3.14 × 25 × 10^-8, और अपॉन में कितना मिलेगा, 50 × 10^-2. अभी अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, देखो ये जो 10^-2 है ये ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा, 10^-2 हो जाएगा ये, और -8 + 2 कितना मिलेगा, -10^-6. सो एक वैल्यू तो हमें मिली है 10^-6. ठीक है, फिर 25 और 50 को कैंसिल करेंगे, तो 25 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2, ठीक है, 25 वनजा, एंड ये कितने से हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको फर्दर 2 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, तो ये कितना मिलेगा हमें, 15. और जब हम 15 को 15 को कितना मिला यहाँ पे हमें, 15 मिला है. 15 को जब हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ कट गया, ठीक है, ये भी कट गया है हमारा, ये भी कट गया है, और ये भी कट गया है, और ये सब भी कट गया है. अभी यहाँ पे क्या मिला है, 15 को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, और इधर क्या मिला है हमें, 10^-6. तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलती है, 47.1 × 10^-6 ओहम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी के जो यूनिट है वो होता है ओहम मीटर. अगर हम इस पॉइंट को फर्दर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4.71 × 10^-5 ओहम मीटर. तो रेजिस्टिविटी जो है हमारे मटेरियल की वो बन जाती है 4.71 × 10^-5 ओहम मीटर. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कहा है, ए करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, एक जो करंट है कितना है हमें, करंट कितना गिवन है, 0.24 एम्पियर, वो फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर. मतलब कोई एक नॉर्मल सा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.24 एम्पियर, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है 24 वोल्ट का. ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, अगेन वेरी सिंपल, रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, और हमें वोल्ट एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट गिवन है. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. तो जब हम इसको आर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा वो, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर.
यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, वी कितना गिवन है 24 और करंट कितना गिवन है 0.24, राइट। सो 24 डिवाइडेड बाय 0.24 तो हमारा आंसर कितना आएगा 100 ओहम्स, राइट। 100 ओहम क्यों आएगा, देखो नीचे 0.25 दो जीरोस है, तो अगर इस टू जीरोस को हमें रिमूव करना है नीचे, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में टू जीरोस ऐड करने पड़ेंगे। तो जब ऊपर में टू जीरोस ऐड करेंगे और नीचे से क्या हो जाएंगे, टू जीरोस जो है हमारे वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 100 ओहम। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 100 ओहम, ओके, वेरी वेरी सिंपल। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट लेकिन फिर भी ईजी है। देखो इसमें क्या बोला है, आपको दो केसेस गिवन है। एक तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 33 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 33 वोल्ट। फिर बोला है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमने अप्लाई किया है तो एक ऐसे एप्लायंस पे अप्लाई किया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 110 ओहम। तो आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, राइट, ओके, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 33 वोल्ट का और हमें रेजिस्टेंस कितना है 110 ओहम। तो आपको सबसे पहले फिर उन्होंने आगे क्या बोला है, इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू द अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओहम, ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है 100 ओहम। एक हमारे पास दूसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओहम, ओके। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 33 वोल्ट, ओके, तो आपको बोला है कि अगर दोनों इसमें करंट सेम है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ का करंट जो है वो अगर I1 है और इसका इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंड वाले इसमें, अगर वो करंट I2 है तो ये I1 और I2 क्या है, सेम है, I1 इज इक्वल्स टू I2, राइट। तो इन दोनों को मिलकर हम लिख सकते हैं I। तो आपको पूछा है कि जो सेकेंड वाला रेजिस्टेंस है, सेकेंड वाला जो रेजिस्टर है आपका, उसमें कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, आपको करंट फाइंड आउट करना है, और वही सेम करंट दूसरे इसमें से फ्लो हो रहा है और सेकेंड वाले इसमें आपको रेजिस्टेंस गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। सबसे पहले जो हमें फर्स्ट केस गिवन है, फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। जब यहाँ से हमें करंट मिल जाएगा तो उस करंट को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि दोनों इसमें करंट सेम है। जब यहाँ हमें करंट मिल जाएगा और रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है तो हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमें पूछा गया है, ओके। तो सी पहले हमें क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 33 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 110 ओहम, सॉरी इट इज नॉट 100 इट इज 110, ओके 110 ओहम है यहाँ पे, ओके। तो इन द फर्स्ट केस हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V कितना है 33 और R कितना है 110, पुट करते हैं 33 अपॉन 110 तो हमें कितना मिलेगा आंसर 0.3 एम्पियर, ओके इसको रिमूव कर लेते हैं। तो आंसर कितना मिला है हमें 0.3 एम्पियर, वेरी सिंपल। क्या करेंगे देखो, 11 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा, राइट, और नीचे कितना है और एक ज़ीरो बचा है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द एप्लायंस कितना मिला हमें 0.3 एम्पियर। अभी कहा है कि ये सेम करंट दूसरे वाले एप्लायंस में अप्लाई हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओहम। तो हमारा सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस में हमें करंट कितना मिला 0.3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 500 ओहम। तो क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, I कितना है 0.3 एम्पियर, राइट, और 0.3 इंटू 500, राइट, तो कितना मिलेगा हमें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, ये दो जीरोस और क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका आंसर क्या मिलेगा 1 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, टू जीरोस,
राइट, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, तो कितना मिलेगा आपको 150 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमें एट द टू एंड्स इज 150 वोल्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट वन, थोड़ा डिफिकल्ट है एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो सी हमारा 5/5 एग्जाम्पल क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओहम। मतलब एक नाइक्रोम वायर है, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर। ओके, 1 मीटर, और उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 6 ओहम। यहाँ पे लिखा है लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 6 ओहम। इफ वी रिड्यूस द लेंथ, अभी ये जो लेंथ 1 मीटर है इसको हमने रिड्यूस किया है और वो कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर 1 मीटर लॉन्ग वायर के लिए 6 ओहम रेजिस्टेंस है तो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो सी लेंथ हमें जो फर्स्ट गिवन है उसको L1 कंसीडर करेंगे, दैट इज 1 मीटर, और जो रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस हमारे पास है ओरिजिनल उसको हम कहेंगे 6 ओहम। सेकेंड जो हमें लेंथ गिवन है उसको हम L2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारी 70 सेंटीमीटर। देखो हमें सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट नहीं है। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 70 को क्या करेंगे हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और क्या मिलेगा हमें 0.7 मीटर, राइट। अभी क्या करना है हमें, अभी इनका रिलेशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, सब कुछ तो निकाल लिया, अभी हमें निकालना क्या है यहाँ पे एक्चुअली R2 फाइंड आउट करना है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, R2। तो हमें पता है, ठीक है, ध्यान से हमारा फॉर्मूला देखना, क्या था हमारा फॉर्मूला सेकेंड वाला, R इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया बराबर। ओके, इससे ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। ओके, तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू L1, जितना R1 विल बी इक्वल टू L1 एंड R2 विल बी इक्वल्स टू L2। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L, सो वी कैन राइट इट एज R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। R1 पहले लेंथ जो R1 है रेजिस्टेंस वो 6 ओहम थी, बाद में हमें फाइंड आउट करनी है पहले लेंथ कितनी थी 1 मीटर, बाद में कितनी रहेंगी L2 कितनी है 0.7 मीटर। तो अगर L1 मीटर के लिए 6 ओहम रेजिस्टेंस है तो 0.7 मीटर के लिए कितना ओहम रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। तो वैल्यू पुट की हमने, तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी सिंपल, R2 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज R2 एंड 6 इंटू 0.7, तो 6 7 42, राइट, और एक पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2, और R2 यानी क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओहम। ओके, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 4.2 ओहम, ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितना सिंपल है, मतलब अगर हमें एक फॉर्मूला पता है, हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है अगर वो आपको पता है तो आप उसमें से एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जो एक ये जो फॉर्मूला है इसमें बस ये एक फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, इसके साथ साथ इसके जो रिलेशंस है उनको भी याद रखना है कि जो R है वो एरिया, मतलब वो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को लेके, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। ओके, सो ये जो रिलेशन है इनके बीच में ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर लेंथ नहीं गिवन होता, अगर आपको एरिया गिवन होता या फिर आपको रेडियस गिवन होता, सपोज यहाँ पे लेंथ नहीं गिवन होता, अगर आपको यहाँ पे गिवन होता कि रेडियस दी होती आपको, किसी भी कंडक्टर का रेडियस दी होती और आपको रेजिस्टेंस गिवन होता और आपको पूछा होता कि दूसरे इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है,
तब भी आप निकाल सकते थे, बस इसका प्रोपोर्शनलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका जो रिलेशनशिप है उसको प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, राइट? सो या थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बी सेफ।